हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टिवज़र्स में। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड व्हेन अ कंज्यूमर्स इनकम चेंज डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन अ कंज्यूमर्स इनकम। जब किसी पर्सन और कंज्यूमर की जो परसेंटेज इनकम में चेंज आता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, इफेक्ट करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब आपकी डिमांड में भी इफेक्ट आता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा रहेगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा रहेगी तो आप जो नॉर्मल बेकार सा गुड है उसके लिए आप डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप किसी चीज़ का डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये क्या होता है, मतलब इसमें हमने देखा कि जो हमारा इनकम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब क्वांटिटी के मतलब डिमांड में भी बदलाव आ रहा है। मतलब किसी भी क्वांटिटी का हम जो अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसमें भी बदलाव आ रहा है हमारे इनकम के चेंज होने से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। कितना परसेंट इनकम में चेंज आया जिसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, कितना बदला, ये होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव द गुड इज नॉर्मल गुड। अगर आपका जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड के लिए बोलते हैं। जैसे आपका इनकम बढ़ा, ठीक है, तो आप नॉर्मल जो गुड अगर मार्केट में नॉर्मल गुड होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसीलिए इसका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी गिवन प्राइस इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। इनकम बढ़ जाती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव व्हेन गुड इज इन्फीरियर। तो आपका नेगेटिव किसके केस में होता है, इन्फीरियर गुड के केस में, मतलब आपकी इनकम जब बढ़ जाएगी तो आप जो इन्फीरियर क्वालिटी का गुड है उसको कम खरीदना चाहेंगे, इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, दिया है द क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी गिवन प्राइस डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा जो प्राइस, मतलब सॉरी जो हम डिमांड करते हैं वो क्या करता है, कम कर देते हैं, किसके लिए, इन्फीरियर गुड के लिए। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन्फीरियर गुड के लिए जो आपका प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नॉर्मल गुड के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।